हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के टॉप लीडर्स के बारे में। सो गाइस, अभी ना टाइम वेस्ट किए, लेट्स बिगिन। सो टॉकिंग अबाउट टोक्यो रिवेंजर्स, जब मैंने इसको पहली बार देखना स्टार्ट किया था, मुझे ये एनिमे बहुत ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया था। आई मीन जितनी इसकी हाइप है उस हिसाब से मुझे ये एनिमे उतना मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज इसमें जो छपरीपन का कॉन्सेप्ट है, द वॉयलेंस ऑफ टीनेजर्स, मुझे वो चीज उतना पसंद नहीं है। ना मैं उन चीजों में अपने टीनेज में इन्वॉल्व था, सो मुझे उस एनिमे से थोड़ा रिलेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। एंड आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि सबको ये एनिमे पसंद आ रहा है बट मुझे क्यों नहीं पसंद आ रहा। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप रियल लाइफ की बात करो तो भाई मैं यूपी में रहता हूँ, यहाँ पे पुलिस से बड़ा छपरी कोई नहीं है, यहाँ की पुलिस ही असली गोरखपुर रिवेंजर्स है। बट जोक्स असाइड, जब मैंने इसके एनिमे को डिच करके इसका मांगा पढ़ना स्टार्ट किया, अराउंड 50 समथिंग चैप्टर्स पढ़ लिए, तो मुझे ये एनिमे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। एंड मैं इससे इतना इंप्रेस हो गया कि मैं अब इस पे एक वीडियो बना सकता हूँ। सो गाइस, हियर इज माय वीडियो ऑन लीडर ऑफ ऑल द गैंग्स इन टोक्यो रिवेंजर्स। ऑल्सो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको ये पता होगा इस वीडियो में अच्छे खासे मांगा स्पॉयलर्स हैं, तो अगर आपने मांगा नहीं पढ़ी है, अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप इस वीडियो को अभी क्विट कर सकते हो। Although मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। सो गाइस, नंबर वन पे हमारे पास माइकी कुन। नाउ ऑलरेडी आप सभी लोग माइकी को जानते होंगे, बट स्टिल मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप माइकी के बारे में सुनकर एक्साइट हो जाएंगे। सो माइकी का रियल नेम है मांजिरो सानो। Although वो सानो मांजिरो के नाम से ज्यादा फेमस है क्योंकि जापानीज में जो टाइटल होता है उसको पहले बोला जाता है। सो सानो मांजिरो इस समय लीडर है टोक्यो मांजी गैंग का, जिसे टोमेन के नाम से भी जाना जाता है। माइकी इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट गाय है अपने गैंग में। एंड अभी एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग माइकी इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे एनिमे सीरीज में। माइकी को आज तक डिफीट नहीं किया गया और इसीलिए इनविंसिबल माइकी के नाम से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वो एक बहुत ही स्किल्ड फाइटर है और उसके दादाजी ने उसको ट्रेन किया था। उसके फैमिली में उसके ग्रैंडफादर थे जिनका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है, उसका बड़ा भाई सानो सिनिचिरो और उसकी छोटी बहन सानो एम्मा। ड्रैकन जो कि वाइस कैप्टन है टोमेन का, वो माइकी के काफी क्लोज है एंड ऑब्वियसली वो माइकी का बेस्ट फ्रेंड है। ड्रैकन को छोड़कर माइकी अपने क्रू मेंबर्स के बारे में भी बहुत ज्यादा केयर करता है और इसीलिए उसके क्रू मेंबर्स उससे बहुत ज्यादा लॉयल है, उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एंड इवन वो अपनी जान भी दे सकते हैं क्योंकि वो माइकी को अपने लीडर जैसे एक्सेप्ट करते हैं। नाउ माइकी एक बहुत ही कैरिस्मेटिक लीडर है बट उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी डार्कनेस छुपी हुई है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है रादर देन टू कैरी द बर्डन्स ऑफ हिज पास्ट। माइकी ने काफी सारे लोगों को खोया है जो उसके बहुत ही क्लोज थे और उसी की वजह से उसकी पर्सनालिटी स्लोली स्लोली एनिमे में चेंज होते हुए हमें दिखी है। और काफी सारे फ्यूचर के टाइमलाइंस में माइकी हमें थोड़ा थोड़ा इविल पर्सन जैसा भी दिखा है, जहां पे उसने कई सारे लोगों को भी मार डाला। लेकिन अपना जो मेन कैरेक्टर है ताकेमिची हनागा की, वो टाइम में पीछे जाके माइकी को इविल पाथ चूज करने से रोक चुका है। एंड करंटली जहां तक मैंने ये मांगा पढ़ी है, वहां पे हनागा की को फर्स्ट डिवीजन कमांडर ऑफ टोमेन बनना है। नाउ जो नेक्स्ट लीडर है हमारे पास, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इसका नाम है इजाना कुरोकावा। नाउ इजुकावा इस समय टेंजुकु गैंग का लीडर है और इससे पहले वो एट जनरेशन लीडर ऑफ ब्लैक ड्रैगन्स भी रह चुका है। बट ये बात उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी कि ये बात कि वो माइकी और सिनिचिरो का एडॉप्टेड ब्रदर है। एंड ऑफ कोर्स ओतेला भाई होने की वजह से वो माइकी के किसी फैमिली मेंबर से ब्लड रिलेटेड नहीं है। नाउ कुरोकावा एक बहुत ही अच्छा बड़ा भाई होता है जब उसने एम्मा को छोड़ा था, क्योंकि एम्मा को छोड़ने के बाद उसने सालों अकेले ही गुजारा, इसी वजह से वो काफी रूथलेस और क्रूरल बन गया। और सिर्फ वो मेंटली अनस्टेबल ही नहीं हुआ बल्कि उसे ताकत की भी बहुत ज्यादा भूख हो गई और वो अपने भाई बहनों से हेट करने लगा। फैमिली के होने की कमी की वजह से वो अपने सारे क्रू मेंबर्स को बिल्कुल टूल्स की तरह यूज करता है और उनके ऊपर बिल्कुल एक तानाशाह की तरह रूल करता है। उसको किसी से भी कोई मतलब नहीं है, वो आपको डेफिनेटली प्रूव कर देगा कि आप उसके लिए झांड बराबर हो। एंड कुरोकावा एग्जैक्टली वही कैरेक्टर है जिसने शियोन को वो विल दी थी कि उसे माइकी को जान से मारना है। नाउ कुरोकावा का फिजिकल अपीयरेंस काफी हद तक माइकी की तरह दिखता है। एंड जब वो टेंजुकु गैंग का लीडर था तब वो रेड कलर का कोट पहनता था। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी पर्सनालिटी बहुत डार्क है और वो एब्सोल्युटली कुछ भी कर सकता है अपने एनिमीज को खत्म करने के लिए। उसके पास टेंजुकु गैंग का लीडरशिप है जिसका मतलब वो सभी के सभी गैंग मेंबर्स को कमांड करता है। एंड ऑल्सो पूरे टेंजुकु गैंग का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी फाइटिंग एबिलिटीज इतनी सही है कि वो माइकी से इक्वल लेवल पर फाइट कर सकता है। वो अपने सभी एनिमीज को सिर्फ फिजिकल चोट ही नहीं बल्कि उन सभी के फ्रेंड्स और फैमिली को मारकर उन्हें मेंटली भी परेशान कर देता है। अनलाइक एनी अदर कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज, कुरोकावा ने कभी भी हेसिटेट नहीं किया किसी को भी मारने के लिए। उसकी एक एबिलिटी है जिसका नाम है अनडिफीटेबल सेंसेस। अपने ट्रेनिंग के थ्रू वो अपने सेंसेस को इतना एनहांस कर चुका है कि वो इजिली अपने ओपोनेंट्स के मूव को रीड कर सकता है और ऑब्वियसली उन्हें काउंटर कर सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लीडर टाइजो शिबा। सो टाइजो जो है वो 10th जनरेशन लीडर है ऑफ द ब्लैक ड्रैगन्स गैंग। फिजिकली टाइजो एक लंबा लड़का है और स्ट्रांग भी दिखता है, बिल्कुल ड्रैगन की तरह। उसने 10th जनरेशन ऑफ द ब्लैक ड्रैगन्स गैंग को ट्रेन किया है और उसने उस गैंग को अपने आर्मी में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। टाइजो एक प्राइड वाला कैरेक्टर है जो कि अपने फाइटिंग एबिलिटीज और अपने गैंग की स्ट्रेंथ को एक ऊंचे स्तर पर रखता है। इसके अलावा वो भी सानो मांजिरो की तरह कैस्मेटिक कैरेक्टर है, यानी कि वो अपने फॉलोअर्स को इजिली इंप्रेस कर लेता है। टाइजो की लीडरशिप के अंदर ब्लैक ड्रैगन गैंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड बन गई, बिल्कुल एक आर्मी की तरह। नाउ टाइजो कोई आम लीडर नहीं है, उसके फॉलोअर्स सिर्फ उसे डर की वजह से फॉलो नहीं करते बल्कि क्रू मेंबर्स लाइक अनुपी एंड कोको उसे सिर्फ रेस्पेक्ट की वजह से फॉलो करते हैं। नाउ टाइजी के अगर
अगर पर्सनल रिलेशंस के बारे में बात करें तो वो अपने भाई बहनों को लेकर बहुत ही ज्यादा हार्श था। वो उन्हें झूठी में मारता पीटता था अगर वो कोई छोटी मोटी गलतियां कर देते थे। उसने अपनी छोटी बहन को भी पीटा है और सिर्फ इसी रीजन की वजह से उसका जो छोटा भाई हकाई है उसने उसे जान से मारने की भी कोशिश की है, लेकिन हकाई फेल हो गया क्योंकि ऑब्वियसली टाइजी को मारना उतना आसान नहीं है एंड ही इज नॉट समवन हु कैन बी किल्ड सो इजीली। वो एक बहुत ही स्किल्ड और पावरफुल फाइटर है। उसके पंचेस बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और उसकी फिजिकल एंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा है। टाइजी बहुत ही इजीली टोमेन के स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटेंट फाइटर्स को उन्हीं के गेम में डिफीट कर सकता है। वो इकलौता ऐसा कैरेक्टर है सीरीज में जिसने माइकी को नॉकआउट किया था, वो भी बिना किसी वेपन के, लेकिन वो अटैक माइकी ने ऑन पर्पस लिया था। इसके अलावा माइकी का सिग्नेचर किक खाने के बाद भी वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। और नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर है उसका नाम है साउथ टेरानो। टेरानो रोकू और अटंडाई गैंग का लीडर है और ये बंदा सच में एक बीस्ट है। मतलब ये इतना लंबा है कि ड्रैगन भी इसके सामने बच्चा जैसा लगता है। ये भी एक बहुत ही कैरिस्मेटिक लीडर है जैसे कि माइकी, और इसको भी वन ऑफ द थ्री डीटीज की तरह जाना जाता है जो कि इंटायर टोक्यो को कंट्रोल करते हैं। इसके फेस के राइट साइड पे एक बहुत बड़ा सा टैटू बना हुआ है जो कि इसके राइट शोल्डर तक जाता है, और इवन इसके मोटरसाइकिल पर भी सेम टाइप ऑफ टैटू बना हुआ है। टेरानो चाहता था कि ड्रैगन उसके गैंग को ज्वाइन कर ले, बट ड्रैगन ने उसका ऑफर डिक्लाइन कर दिया। नाउ ड्रैगन के इस रिजेक्शन की वजह से टेरानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने ड्रैगन के ऊपर अटैक्स करके उसे आराम से दूर फेंक दिया। नाउ अगर हम इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो इसके पास काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है क्योंकि इसको अपने स्ट्रेंथ पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है और अगर इसे किसी ने जरा सा भी परेशान किया तो वो उसे इजीली पटक के पेल देगा। उसे शायद म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है और वो जब भी किसी को पीटता है तो म्यूजिकल टॉपिक्स बोलता रहता है। नाउ इस कैरेक्टर के हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, इसकी बैक स्टोरी के बारे में अभी कोई भी चीज मेंशन नहीं हुआ है, मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है। नाउ अगर हम इसके फाइटिंग एबिलिटीज की बात करें तो टेरानो को ऑलमोस्ट माइकी के बराबर माना जाता है। नाउ उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन इसके साथ उसके पास है प्रिसीजन, यानी कि वो किसी को भी एग्जैक्टली पॉइंट पर अटैक कर सकता है। इवन वो अपने बाइक पर ड्राइव करते करते लोगों को कुछ भी फेंक कर मार सकता है। उसके ब्लोज इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इवन ड्रैगन भी उड़कर जाके दूर गिरता है। उसके फाइटिंग एबिलिटीज में कोई खास टेक्निक नहीं होती, बट वो अपने काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके टेक्निक की कमी को पूरा कर लेता है। उसकी एक आदत है कि जब वो कोई रेगुलर पंच मारता है तो वो चिल्लाता फोर्टे, जिसका मतलब है लाउड, और जब वो बहुत ही एक हैवी अटैक करता है तब वो चिल्लाता फोर्टिस्मो, जिसका मतलब है वेरी लाउड। हमारे पास जो नेक्स्ट लीडर है उसका नाम है सेंजू कावारागी। नाउ सेंजू कावारागी लीडर है ब्राह्मण गैंग का, जो कि टोक्यो मांजी गैंग के खत्म होने के 2 साल बाद बनी थी, एंड सेंजू को भी वन ऑफ द थ्री डीटीज माना जाता है। वो भी एक यंग लड़का है जिसकी हाइट एवरेज है और उसका फेस काफी हद तक सानो मांजिरो और कुरोकावा जैसा दिखता है। पर्सनालिटी की बात करें तो वो बहुत ही होशियार कैरेक्टर है। वो अपने राइट हैंड मैन का यूज करके अपने गैंग को एज अ डिकॉय यूज करता है और फिर वो अचानक से छुप कर अटैक करता है। नाउ ये पर्सनालिटी उसके राइवल साउथ टेरानो से एकदम अपोजिट है, जहां पे टेरानो को एकदम अटेंशन और हेड ऑन फाइट्स चाहिए, वहीं पर सेंजू छुप कर अटैक करना प्रेफर करता है। नाउ अगर हम उसके एबिलिटीज की बात करें तो एज द लीडर ऑफ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग्स इन द सीरीज उसके पास एक काफी पावरफुल फोर्स है, और इसके अलावा ब्लैक ड्रैगन के फाउंडर्स के साथ उसकी काफी अच्छी बनती है जो कि अपने आप में ही काफी पावरफुल है। अगर हम उसके फाइटिंग एबिलिटीज की बात करें तो एक्रोबैटिक स्टाइल में फाइट करता है जो कि उसके स्मॉल हाइट को फेवर करती है, बट फिर भी वो अपने अटैक से ज्यादा अपने टेक्निक्स का यूज करना प्रेफर करता है। नाउ द नेक्स्ट लीडर जो हमारे पास है उसका नाम है शियोन मादारामे। नाउ शियोन ब्लैक ड्रैगन गैंग का 9th जनरेशन लीडर था और उसे कुराकावा ने ऑर्डर दिया था कि वो उसके विश को पूरा करे, जो कि है माइकी को जान से मार डालना। शियोन एक बहुत बड़ा रीजन था कि टोक्यो मांजी गैंग एक्चुअली में बना, क्योंकि वो हमेशा काजुतोरा को परेशान करता था। अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए माइकी और बाकी सभी ने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का एक गैंग बनाएंगे, और गैंग के बनने के कुछ टाइम बाद माइकी और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर शियोन और 9th जनरेशन ऑफ द ब्लैक ड्रैगन गैंग को डिफीट कर दिया। नाउ शियोन और ताइजू के अलावा ब्लैक ड्रैगन गैंग्स के और भी कुछ लीडर थे जिसमें से एक था सानो सिनिचिरो। जी हाँ, माइकी का बड़ा भाई लीडर था 1st जनरेशन ऑफ द ब्लैक ड्रैगन गैंग का। माइकी का बड़ा भाई था जिसने ब्लैक ड्रैगन गैंग बनाया था और उसका जनरेशन इस समय बेस्ट जनरेशन माना जाता है ब्लैक ड्रैगन गैंग का। नाउ अनलाइक शियोन और ताइजू, शिनिचिरो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो शिनिचिरो को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो भी बाकी सभी की तरह एक बहुत ही कैरिस्मेटिक लीडर था। एंड करिश्मा के मामले में एक्चुअली में शिनिचिरो को कहा जाता है कि कोई भी उसे मैच नहीं कर सकता, और भी बहुत बड़ा रीजन था कि लोग उसको फॉलो करते थे और वो था उसका सॉफ्ट हार्टेड नेचर। नाउ मूविंग ऑन, जो हमारे पास नेक्स्ट लीडर है वो है नोबुताका असानाई। नाउ असानाई 8th लीडर था मोबियस गैंग का और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी था। उसने अपनी स्ट्रेंथ तब प्रूव की थी जब उसने 5 इन को इजीली डिफीट कर दिया था, लेकिन फिर भी असानाई को माइकी ने एक सिंगल किक में डिफीट कर दिया। नाउ उसके मेंटेलिटी के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसको टेटा किसाकी ने बहुत ही आराम से मैनिपुलेट कर लिया था। अगर हम उसके फाइटिंग एबिलिटीज की बात करें तो असानाई अपने अर्ली एज में बहुत ही कॉम्पिटेंट फाइटर था। उसने गैंग का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होने के डर का यूज करके मोबियस को लीड किया, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया उसने 5 इन को भी इजीली डिफीट कर दिया था, जिसके स्किल्स को इवन ड्रैगन भी एडमायर करता था। नाउ सबको पता है अगर आप अर्ली एज में छपरी बना करोगे तो आपका बाद में चल के लाइफ बेकार हो जाएगी, तो असानाई के साथ भी वही हुआ। प्रेजेंट टाइम में वो वैसा नहीं रहा जैसा कि वो अपने टीन एज में हुआ करता था। एडल्ट होने के बाद शायद उसका दिमाग आ गया, वो इस समय एक लेबर की तरह काम करता है और जो भी चीज वो करता है उसके लिए वो माफी मांगता है और डर कर जीता है। नाउ नेक्स्ट अप हमारे पास फिर से है सानो मांजिरो। तो अपेरेंटली टोक्यो मांजी गैंग एक टाइम पर बंद हो गया था और उसके 2 साल बाद माइकी एक न्यू ग्रुप का लीडर बना जिसका नाम था कांटो मांजी गैंग।
गैंग। इस गैंग में काफी सारे मेंबर्स थे जो कि पहले तेंजुकू और दूसरे गैंग के मेंबर्स थे, लेकिन सबसे यूनिक बात यह है कि इस गैंग में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था जो कि माइकी का दोस्त था। इस गैंग का लीडर बनने के बाद माइकी को वन ऑफ द थ्री डीटीज की तरह से जाना जाने लगा। नाउ नेक्स्ट लीडर जो है हमारे पास वो मेरे हिसाब से सेकंड मोस्ट फेमस कैरेक्टर है इस सीरीज का, एंड दिस गाय इज किसाकी टेट्टा। नाउ किसाकी इस समय एनिमे में तो थर्ड डिवीजन कमांडर है टूमैन गैंग का, लेकिन ओरिजिनली वो लीडर है वेलहाला गैंग का। नाउ इस गैंग को बनाने के पीछे किसाकी का एक प्लान था कि वो वेलहाला गैंग और टूमैन गैंग को मर्ज करके एक नया टोक्यो मांजी गैंग बनाएगा। किसाकी ने कभी भी लीडर ऑफ वेलहाला टाइटल के अंडर ओपनली काम नहीं किया। वो हम्मा था जो कि सारे मेंबर्स को मैनेज करता था, और हम्मा ही था जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वेलहाला गैंग बना था। किसाकी की पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो वो काफी क्रूएल और काफी एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर है जो कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे वो ना मिल जाए जो कि वो चाहता है। ऐसे नॉर्मली तो वो एक एवरेज ही है, लेकिन वो जिस तरीके से फियर का यूज करता है उसी वजह से उससे स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर्स भी उसकी बात मानने लगते हैं। उसके पूरे के पूरे एक्शन सिर्फ इसी चीज पे बेस्ड है कि उसे टोक्यो का मोस्ट पावरफुल और सबसे इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल बनना है। नाउ एज एन इविल कैरेक्टर वो अपने सीनियर्स और अपने क्रू मेंबर्स को बस एक जैसा ही ट्रीट करता है, यानी कि वो सभी उसके लिए टूल्स हैं उसके सक्सेस के लिए। इनफैक्ट वो सभी को इस नजर से देखता है कि वो सभी उसके लिए टूल्स की तरह से यूज किए जा सकते हैं। लेकिन इन सभी के अलावा उसके पास एक बहुत एक्सेप्शनल करिश्मा है जिसकी वजह से सभी के सभी जितने भी स्ट्रॉन्गर मेंबर्स हैं एंड इवन किसाकी से भी स्ट्रॉन्गर मेंबर्स उसके अंडर काम करना चाहते हैं। नाउ अगर हम उसके फाइटिंग एबिलिटीज की बात करें तो उसकी फाइटिंग एबिलिटीज अबव एवरेज है, पर उसकी मेन एबिलिटी है उसकी इंटेलिजेंस। उसकी इंटेलिजेंस उसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर बनाती है पूरे एनिमे सीरीज में। किसाकी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग करता है ताकि वो ताकिमिची के हर प्लान को फेल कर पाए, इवन तो ताकिमिची के पास पावर ऑफ टाइम ट्रेवल है। अपने इंटेलिजेंस का यूज करके उसने एक ऐसी एबिलिटी डेवलप की है कि वो अपने ओपोनेंट्स का वीक पॉइंट खोज लेता है और वो उसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है। अगर ताकिमिची नहीं होता तो किसाकी इजिली टोमन के टॉप पोजीशन पर पहुंच गया होता जैसा कि उसने ओरिजिनल टाइमलाइन में किया था। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन ऑल द लीडर्स ऑफ द टोक्यो रिवेंजर सीरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी लिस्ट में कोई कैरेक्टर छूट गया तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक करिए अगर आप सभी को मेरी ये वाली टोक्यो रिवेंजर्स की वीडियो पसंद आई। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका फेवरेट लीडर कौन है। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि टोक्यो रिवेंजर्स के फैन है। ऐसे और भी कई सारे मस्त एनिमे कंटेंट को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हां बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वाली टोक्यो रिवेंजर्स की वीडियो पसंद आई तो हमारी और भी कई सारी एनिमे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन। चुप करो भोसड़ी वालों को, पापा शांत रहिए। Till I get up, time is barely on our side.